तो अभी मुझे बैंक जाना है एंड कपड़े वगैरह सब चेंज कर लें, बस बाल कंघी करने आते हैं वो करते हैं। तो नाउ आई गेस इट लुक्स बेटर, पर ये कमरा हमें फिर से साफ करना होगा। सो नाउ इट लुक्स वे बेटर। चलो तो हुआ यूँ कि जैसे ही मैं बैंक से वापस आया तकरीबन 11 बजे के आसपास, तो आते ही मुझे आई डोंट नो हाउ बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग करने का एंड आंखों में नींद एकदम से ही बहुत ज़्यादा आने लग गई। तो जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा मुझे नींद आ गई और फिर जब मैं उठा तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी सो के उठा था और मैं सुबह आई गेस 11 बजे के आसपास बैंक से आ गया था और आते ही मैं जैसे बिस्तर पे लेटा मुझे नींद आ गई। वैसे मैं यूजुअली दोपहर में सोता नहीं हूँ बट आज पता नहीं क्या हुआ बट ऐसा हो गया। तो एज यू कैन नोटिस कि अभी मैं नींद में थोड़ा उठा हूँ जस्ट एंड ब्लॉग कर रहा हूँ, बट अभी देखते हैं बाकी ब्लॉग में क्या करने वाले हैं। लेट्स सी, पर पहले कुछ खाना पीना, भूख लगी। तो मेरा मन मेरा ब्लैक कॉफ़ी पीने का था ताकि एक तो मेरी आंखों में से नींद उड़ जाए और आई फील अ लिटिल मोर एनर्जेटिक। बट 5 मिनट पहले ही जस्ट मेरे उठने से मम्मी ने ये मैंगो शेक बनाया था, सो आई डिसाइडेड टू कोई बात नहीं, मैंगो शेक अच्छा है कॉफ़ी से। तो अभी मैं ये ख़त्म करता हूँ एंड फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो आई नो कि तुम्हें अभी जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको सुन के तुम ज़रूर हंसोगे। हुआ यूँ कि अभी मुझे चावल खाने एंड इन सभी कबर्ड्स में मैंने चेक कर लिया, मुझे एक कटोरी नहीं मिल रही, एक भी कटोरी नहीं मिल रही। तो अभी मैं मम्मी को फ़ोन करके पूछता हूँ। तो मुझे एक कटोरी मिल चुकी है एंड ये मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं इस वाले रैक पर। ये देखो, ये यहाँ पर येलो वाली ये पड़ी है ना, ये कटोरी यहाँ पड़ी थी और मैंने चेक ही नहीं करा। आई डोंट नो तुम्हें ये चीज़ फील हुई है कि नहीं, बट आज के व्लॉग में खाना कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सुबह नाश्ता, अभी मैंगो शेक और अब फिर से चावल। आई गेस मुझे फूड ब्लॉगर बन जाना चाहिए। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज के दिन में मैं जितना शूट कर सकता था मैंने उतना शूट किया, पर आई डोंट हैव इनफ फुटेज टू मेक इट अ 4 और 5 मिनट व्लॉग। तो आज हम वो चीज़ आपको दिखाएँगे जो हर एक कंटेंट क्रिएटर एक ना एक बार अपने चैनल पे ज़रूर दिखाता है, विच इज़ हिज सेटअप। पर आपको सेटअप दिखाने से पहले थोड़ा माहौल बनाते हैं। नाउ इट लुक्स बेटर। तो देखो यार, मैं जितना भी गियर तुम्हें आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, वो एक्चुअली मैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ और ना ही मैंने वो व्लॉगिंग के पर्पज़ के लिए लिया था कभी। मैंने जितना भी वो गियर है वो इकट्ठा किया हुआ है, वो सारा का सारा फिल्म मेकिंग के लिए लिया था, क्योंकि मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ एंड आई एम लर्निंग फिल्म मेकिंग। सो दैट्स व्हाई आई बॉट ऑल दिस स्टफ जस्ट टू मेक सम शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड म्यूज़िक वीडियोज एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो आप ये मत कहना कि ये सारा स्टफ आपको व्लॉगिंग के लिए चाहिए। अगर आपको व्लॉग स्टार्ट करने हैं यू कैन स्टार्ट विद इवन अ फ़ोन। तो अभी मैं तुम्हें मेरे व्लॉग शूट करने के लिए जो मेन मशीन यूज़ होती है उसके बारे में बताता हूँ। अब मेरे व्लॉग्स हैं वो 2 कैमराज से शूट होते हैं, वन इज़ दिस सोनी 6400 एंड अनदर इज़ दिस iPhone XR। अब क्वालिटी दोनों की अच्छी है, iPhone XR 4K 60 तक रिकॉर्ड कर सकता है एंड ये 4K 25 FPS तक, पर दोनों की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब लेंसेज की अगर हम बात करें तो मैं व्लॉग शूट करने के लिए स्पेशली जो ए रोल होता है या ऑलमोस्ट 90% ऑफ व्लॉग जो है वो मेरा शूट होता है विद वन लेंस विच इज़ द किट लेंस, जो कि राइट नाउ अभी भी मैं यूज़ करता हूँ, विच इज़ 1650mm। ये एक किट लेंस है जो कि आपको सोनी के ऑलमोस्ट हर EPS-C सेंसर कैमरा के पास मिल जाता है। बट अगर मुझे कभी भी कहीं पे भी बी रोल्स ऐड करने हो या फिर कहीं पे मुझे क्रिस्पीनेस वीडियो में बढ़ानी हो या कुछ सिनेमैटिक शूट करना हो, क्लोजअप लेने हो, फोटो शूट करने हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला लेंस। सो ये एक बेसिक लेंस है, हर किसी के किट में ज़रूर होता है। दिस इज़ अ 50mm लेंस फ्रॉम सोनी मैं किसी भी तरह का कोई भी अडाप्टर यूज़ नहीं करता हूँ थर्ड पार्टी, जो कि मेरे को कैनन या निकॉन के लेंसेज यूज़ करने में अलाउ करे। आई प्रेफर ओनली सोनी लेंसेज विच वर्क्स रियली गुड विद दिस कैमरा। तो ये थी वो चीज़ें जिनसे कि मैं एक शूट कर सकता हूँ मेरा वीडियो या मेरा व्लॉग। बट मैं एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, नॉट इन माई व्लॉग्स बट मेरे सभी प्रोफेशनल शूट्स या किसी भी कमर्शियल या जो भी चीज़ें मैं प्रोफेशनली करता हूँ उसके अंदर वो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। एंड दैट इज़ दिस इज़ अ गिम्बल। ये है DJI Ronin SC। मैं यही वाला मॉडल इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये केपेबल है छोटे कैमरास के लिए, एंड मेरा कैमरा छोटा है तो मैं एक छोटा ही गिम्बल यूज़ करता हूँ। तो अभी जो ये हमने माहौल सेट किया हुआ है तो ये ऐसे सेट नहीं होता, इसमें बहुत सारी लाइट्स यूज़ होती हैं। तो राइट नाउ मैं 2 लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ। आप ये जो बैक लाइट देख रहे हैं वो है एक बेसिक RGB लाइट फ्रॉम अमेजोन, जो कि मैंने तकरीबन 500 रुपये की 2 खरीदी थी। तो इसी के साथ जो मेरी मेन लाइट है वो है Godox SL60W, जो कि अभी ऑन है, और ये मैं एक माउंट पे रखता हूँ। ये थी बात मेरे लाइटिंग सेटअप की। इसी के साथ बहुत सारी छोटी मोटी एक्सेसरीज है, लाइक ट्राईपॉड्स हो गए या गोरिल्ला पॉड्स हो गए या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे एंटी फिल्टर्स वगैरह, वो सब भी हैं बट वो मैं दिखाऊंगा नहीं। तो अब इन सभी चीज़ों का यूज़ करके मैं चीज़ें शूट कर लेता हूँ, बट उसको एडिट करने के लिए भी आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए होती है, बिकॉज आई ऑलवेज शूट एंड अपलोड इन 4K। तो फॉर माई एडिटिंग पर्पज आई यूज़ Adobe Premiere Pro एज माई एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड आई यूज़ दिस एज माई एडिटिंग मशीन। दिस इज़ Asus ROG लैपटॉप। सो इस लैपटॉप के जो स्पेक्स हैं वो मेरे यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस लैपटॉप में 8GB रैम है, 512GB की SSD है, i5 9th जनरेशन प्रोसेसर है और इसके अंदर 4GB का ग्राफिक कार्ड है, विच इज़ मोर देन इनफ जस्ट यू वॉन्ट टू एडिट। अगर आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है दैन ये स्पेक्स आपके लिए बहुत है। आप 4K 60fps तक इसमें अलग रेटिंग के साथ एडिट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक स्क्रीनशॉट लो, अपने Instagram स्टोरी पर डालो या WhatsApp में अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करो। कुछ भी करो बस इस वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज आई एम मेकिंग डेली वीडियोज राइट नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।